सवाल आप ही पूछेंगे या सब पूछेंगे? सेंटर में आपका कैमरा है? कभी सर कभी कभी फिल्में देख के हमें इंस्पिरेशन मिलता है, कभी कभी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, तो आपको लगता है कि बजरंगी भाईजान देखने के बाद लोगों में ये अवेयरनेस जगी है कि 14 साल जो एक वनवास काटती थी लड़की उसका पता मिल गया, एड्रेस मिल गया उसको? हाँ देखिए, बजरंगी भाईजान के बाद अभी 2 दिन पहले मेरे को पता चला ये गीता जो लड़की हैं उनकी कहानी, ये भी खो गई थी मुन्नी की तरह, ये खो गई थी, ये उस तरफ खोई थी, मुन्नी हमारे तरफ खोई थी। लेकिन हाँ, बजरंगी भाईजान की वजह से एक ये है कि एक अवेयरनेस जनरेट हुई है, एक इस केस पे थोड़ा सा अटेंशन आया है। उस बात की मुझे खुशी है कि 14 साल से ये कोशिश कर रही हैं कि अपना घर ढूंढें, अपने ख़ानदान से वापस के पास वापस जा सकें। अगर बजरंगी भाईजान की वजह से थोड़ा अटेंशन इस केस पे आता है और असल में उनकी फैमिली मिल जाती है, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं होगी मेरे लिए। ये शायद फिल्म की वजह से लोगों में इम्पैक्ट पड़ा। आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस देश के यहाँ पे और यहाँ वाले वहाँ हैं, जी ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए जिसकी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो इस कंट्री से वहाँ पे जा सकें और वहाँ से यहाँ आ सकें। जी बिल्कुल, आई थिंक बजरंगी भाईजान की वजह से थोड़ा अटेंशन इन चीज़ों पर आया है। जो लोग खो जाते हैं, जो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, उनके साथ क्या होता है। देखिए फिल्म जो है, फिल्म आपको आई थिंक ये मजबूर करती है सोचने के लिए कि इन चीज़ों के बारे में क्या किया जा सकता है। आई डोंट थिंक फिल्म एक्चुअल चेंज कर सकती है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, एक सोसाइटी को चेंज करने में टाइम लगता है। लेकिन आई थिंक फिल्म कम से कम ये बोल रही है कि जो विक्टिम्स हैं पॉलिटिक्स के, वो कॉमन मैन ही होता है। पॉलिटिक्स चलती रहेंगी, जो दोनों मुल्क के सियासत हैं वो उन दोनों में पॉलिटिक्स चलती रहेगी, लेकिन उससे कॉमन मैन पे असर नहीं होना चाहिए। अगर एक बच्ची बेचारी खो गई है बॉर्डर के उस पार, तो कुछ एक ज़रिया होना चाहिए, कुछ एक रूट होना चाहिए जिससे वो बिना ये ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स के वापस आ सके। अनफॉर्चुनेटली एक बार ये पार कर देते हैं तो फिर वापस आना भी मुश्किल हो जाता है, ना वीज़ा ना पासपोर्ट, वही सब चीज़ें जो फिल्म में भी हमने दिखाई थी। तो अगर इस फिल्म से थोड़ा बहुत भी असर पड़ता है इन चीज़ों पे और थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपने कभी इमेजिन किया था कि शायद इस तरह की आपकी फिल्म की कहानी रिलेटेड कोई रियल लाइफ में भी ऐसा इंसिडेंस हो सकता है, और पहली बार इस बारे में आपको कब पता चला? जी रिसर्च के दौरान तो थोड़ा बहुत हमने देखा था कि काफ़ी केसेस होते हैं जो लोग गलती से इधर उधर, या तो यहाँ से उधर बॉर्डर पार करके चले जाते हैं या वहाँ से इधर आ जाते हैं, और फिर काफ़ी ऐसी कहानियाँ जो ज़िंदगी भर वो बेचारे जेल में बिताते हैं। तो ऐसी कुछ कहानियाँ तो हमने सुनी थी, लेकिन ये एग्जैक्ट केस गीता का केस तो हमें कुछ 2 दिन पहले पता चला, और काफ़ी आई थिंक सरप्राइजिंग था ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंसेस हैं। छोटी बच्ची जो बोल नहीं सकती, बॉर्डर के उस पार खो गई है। तो इसलिए मैंने जब कहानी सुनी और फिर मुझे फ़ोन आए चैनल्स और न्यूज़पेपर से, तो मैंने सोचा कि हाँ आई थिंक इस चीज़ के बारे में हमें बात करनी चाहिए। अगर किसी भी तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं इस पर अटेंशन लाने के लिए, इसके लिए थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आगे चैनल्स और न्यूज़पेपर्स के ज़रिए ले जा सकते हैं, तो अच्छा रहेगा इस केस के लिए। सलमान से बात हुई है जी 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 जब ये इस कहानी के बारे में मैंने सुना तो मैंने सलमान को फ़ोन किया। मैंने बताया उनको कि ऐसी एक कहानी है जो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं उसकी हमारी फिल्म के साथ, तो आई थिंक वो भी काफ़ी सरप्राइज़ हुए, और उन्होंने भी ये बोला कि हाँ आई थिंक चैनल्स और न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अगर हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, हम ट्वीट पे इसके बारे में बता सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, तो आई थिंक बेसिकली हम लोग, क्योंकि अभी हमारी फिल्म पॉपुलर है, क्योंकि हमारी फिल्म अभी चल रही है, बहुत सक्सेसफुल है, तो हम एक प्लेटफॉर्म से अगर बोलें और इस केस के बारे में बात करें तो ये न्यूज़ आई थिंक काफ़ी दूर तक फैलेगी। जी मैंने सुना वो भी न्यूज़ पे कि जो हमारे मिनिस्टर हैं सुषमा स्वराज फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने बोला है कि वो हाई कमिश्नर को बोलेंगी कि जाके लड़की से मिलें और कुछ कोशिश करें कि उसका पता के बारे में यहाँ इंडिया में कहाँ से वो आई हैं और कुछ कोशिश करें उनके वेयर अबाउट्स का पता करने के लिए। और आई थिंक गवर्नमेंट्स को ये देखना चाहिए कि अगर इस किस्म के केसेस हो रहे हैं और बच्चे या बड़े लोग भी गलती से कभी कभी बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, या फिशरमैन की स्टोरी हमने सुनी है, वो बेचारे उनको पता नहीं होता लेकिन वो इंटरनेशनल वाटर्स में चले जाते हैं या पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर्स में चले जाते हैं या वहाँ के फिशरमैन हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में आ जाते हैं। तो एक आई थिंक जरिया होना चाहिए, एक अरेंजमेंट होना चाहिए जिसमें बिना उनको प्रिजन में डाले और उनकी पूरी ज़िंदगी जेल में बीते, कुछ ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए जहाँ इमीडिएटली उनको वापस भेज दिया जाए। और अगर गीता उसी टाइम वापस भेज दी जाती इंडियन साइड पे तो हो सकता है कि उस टाइम वो अपने माँ बाप से वापस मिल सकती थी, लेकिन क्योंकि इस सब में इतना टाइम लगता है, एक बारी आप पार कर जाएं वापस आने में इतना टाइम लगता है, इतने ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स हैं वीज़ा पासपोर्ट के, कि आई थिंक तब तक बहुत देर हो जाती है। पाकिस्तानी जो आवाम है उसको बहुत लिबरल दिखाया है पिक्चर में, और ऐसा क्या रियल लाइफ में है? क्योंकि जो ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया था वो एबटाबाद से पकड़ा गया था, वहाँ पे पूरा क्या आपको लगता है कि वहाँ की आवाम आतंकवादियों को सपोर्ट करती है? नहीं, देखिए मुझे क्या लगता था, हाँ मेरी फिल्म जो है वो थोड़ी सी एक यूटोपियन लैंड में, जब मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी सी एक यूटोपियन लैंड में सेट कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे यू नो सबकी अच्छाई हम देखें और देखें कि जो कॉमन मैन होता है बेसिकली वो अच्छा इंसान होता है। लेकिन गीता के केस में तो जब मैंने देखा कि जिस तरीके से वो कराची में एक फैमिली उनकी देखभाल कर रही है, तो मुझे लगा कि नहीं, हो सकता है ये यूटोपिया नहीं है, कि असलियत में भी ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल जिस तरीके से बजरंगी ने मुन्नी की देखभाल करी थी उसी तरीके से वो बिल्कीज़ जी एक हैं जो मदद कर रही हैं गीता की, वो भी उसी तरीके से बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह देखभाल कर रही हैं। और आपने जब कहा कि लोग टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, आई थिंक ये प्रॉब्लम क्या है कि हमें जो एक एस्टैब्लिशमेंट्स के बीच में जो पॉलिटिक्स होते हैं या जो जैसे टेररिज्म के कुछ ग्रुप्स हैं वो जो एक्शंस लेते हैं उसकी वजह से हमें वो जो उनकी एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आम आदमी पे नहीं डालनी चाहिए। और क्योंकि वो टेररिज्म और टेररिस्ट का एजेंडा यही है कि वो कुछ ऐसे करते रहें कि वो एक जो एनिमोसिटी और हेट है दोनों कंट्रीज़ में वो चलती रहे, क्योंकि एक टेररिस्ट अटैक जब होता है उसके बाद कई सालों तक एक पीपल टू पीपल फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि टेररिज्म एक ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ हमें अटैक करते हैं लेकिन वहाँ भी बहुत टेररिज्म अटैक्स होते हैं और अल्टीमेटली जो विक्टिम्स होते हैं वो कॉमन मैन होते हैं। हमारे यहाँ 26/11 में अटैक्स हुआ, वहाँ पे पेशावर में स्कूल के बच्चों को मारा गया। तो हम आई डोंट थिंक ये कह सकते हैं कि जो कॉमन मैन होता है वो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। ये सब पॉलिटिक्स हैं, ये सब जो हैं कुछ एलिमेंट्स हैं वहाँ जो चाहती हैं कि हमेशा नफरत रहे, चाहते हैं कि कभी भी नॉर्मल रिलेशनशिप्स पीपल टू पीपल नहीं रहे। मेरा सिर्फ एक आई विश ऐसा एक दिन आए कि जब पीपल टू पीपल फ्रेंडशिप एक कायम हो डिस्पाइट द पॉलिटिक्स। I just feel that the government should not play nanny to all of us. I think grown-up individuals, one is not in any way saying that everything about porn is all right. It's not, and there are lots of things that steps should be taken. Definitely, there needs to be a very, very strong stand to curb child pornography. But I think there has to everything is in limits. You cannot just blanket say don't watch porn. I think everybody is an individual, as an adult here, and I don't think the government should extend itself into trying to control what people do in their private lives. Right, and just slightly connected to your film, what do you feel about the beef ban as well? The government wants to control what you see, what you eat. I think that's I think there's a certain level of intolerance that's seeping into our society, which is very unfortunate. I think we should be tolerant about each other's choices, whether it's about eating a particular kind of meat or not wanting to eat meat, or wearing a certain kind of clothes or not wearing certain kinds of clothes. I think it's basically the bottom line being we need to be a little more tolerant about each other's choices and let others live the way they want to live, as long as nobody is doing anything that deliberately hurts and deliberately offends other people's sensibilities. जो पाकिस्तान में गीता की टेक केयर कर रहे हैं वहाँ पे वो चाहते हैं कि वो अपने भी रिलीजन में शादी कर ले, लेकिन गीता का सपना है कि वो इंडिया आना चाहती है, उसके बाद शादी कर ले। जी तो कबीर एज एन बीइंग ह्यूमन, एज एन फिल्म डायरेक्टर और सलमान खान, कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा उसको वापस लाने में? देखिए, हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं कि हम मीडिया से बात कर सकते हैं। हम एक्चुअली एग्जैक्टली वो कर सकते हैं जो नवाज़ुद्दीन का कैरेक्टर चांद नवाब ने हमारी फिल्म में बोला था कि एक ही जरिया है टीवी। अगर हम टीवी के माध्यम के थ्रू, चैनल्स, न्यूज़पेपर्स के थ्रू ये न्यूज़ को ज़्यादा फैला सकें, एक थोड़ा इसको वाइड कवरेज देखें से, तो हो सकता है कोई ना कोई गीता को रिकग्नाइज़ करेगा, हो सकता है कोई जान पहचान वाला उनके फैमिली को बोलेगा कि इस किस्म की कहानी टीवी पे आ रही है। और एग्जैक्टली जो चांद नवाब कैरेक्टर हमारी फिल्म में जो उसने किया टीवी के थ्रू, हम भी वही करना चाहते हैं कि हम बात कर सकते हैं चैनल से, न्यूज़पेपर्स से, और होप कर सकते हैं कि ये फाइनली जाके गीता के फैमिली को कहीं ना कहीं ये स्टोरी दिखाई दे एंड दे टेक सम एक्शन। चांद नवाब के बारे में बात करना चाहेंगे कि चांद नवाब की करियर का टर्निंग पॉइंट है ये। उनको कई सारे ऑफर्स आ रहे हैं जॉब के, तो उनका कोई फोन कॉल्स आया आपके पास या आपने कुछ अप्रिशिएट किया उनको? हाँ, मेरी बात हुई 2-3 बारी एक्चुअली, चैनल्स के थ्रू ही बात हुई उनके साथ। तो बहुत खुश हैं, उनको बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से हमने वो कैरेक्टर दिखाया, जिस तरीके से नवाज़ुद्दीन ने वो कैरेक्टर पोर्ट्रे किया, क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत ही एक पॉजिटिव कैरेक्टर है फिल्म में। एक ही इज़ द एजेंट ऑफ चेंज इन द फिल्म। तो उनको बहुत खुशी हुई हमने उनके कैरेक्टर को इस तरह से स्क्रीन पे दिखाया। और वो ये खुश हैं कि वो एक्चुअली अभी एक किस्म के स्टार बन गए हैं पाकिस्तान में। उनको एडवर्टीजमेंट्स के ऑफर्स आ रहे हैं, अपीयरेंसेस के ऑफर्स आ रहे हैं, और 1-2 बारी मेरी बात हुई उनसे इसके बारे में। गीता के माँ बाप अगर मिल जाएं तो हाँ ज़रूर, अभी तो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से दैट, लेकिन अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर, व्हाई नॉट। अगर कभी मौका मिलता आपको आगे, तो बायोपिक किस पे बनाना चाहेंगे, कोई अगर ऐसा आता है? बायोपिक्स जो हैं, बायोपिक्स एक बहुत एक्साइटिंग स्पेस है मेरे लिए। मेरी फिल्मों में हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं एक रियल कॉन्टेक्स्ट हमेशा अपने फिल्म्स में दूं। तो बायोपिक्स ऑब्वियसली एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और 2-3 आइडियाज़ हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ एंड वुड लव टू डू बायोपिक्स। लेकिन अभी करंटली मैं किसी बायोपिक पे काम नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ वो मुझे खुद नहीं मालूम है। आई थिंक 2 फिल्में मैंने बैक-टू-बैक बनाई हैं, तो मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। तो ये रिलीज़ के बाद थोड़ी सी एक छुट्टी लूँगा और फिर उसके बाद सोचूँगा क्या करना। अब आप दूसरी चीज़ों पे जा रहे हैं गीता को छोड़ के। सर, बस एक चाहते हैं आपसे कमेंट इंडिपेंडेंस डे को लेकर करते क्या आप रीजन का, मतलब सब बोलते हैं क्या हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, क्या आप समझते हैं फ्रीडम क्या है आपकी? फ्रीडम एक्चुअली मैंने जो अभी पहले बात बोली, आई थिंक ट्रू फ्रीडम ये होगा इफ वी आर फ्री फ्रॉम इनटॉलरेंस। ये एक चीज़ है जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इनटॉलरेंस। एक दूसरे का हर चीज़, हम कुछ बोलते नहीं है पहले कोई ऑफेंड हो जाता है, हम पिक्चर रिलीज नहीं करते हैं कि कोई बोलता है कि हमें ये बुरा लग रहा है, अरे पिक्चर पहले देख तो लो। तो आई थिंक ये एक होना चाहिए कि एक इनटॉलरेंस कम होनी चाहिए। वी शुड बी फ्री फ्रॉम इनटॉलरेंस ऑफ अदर पीपल्स चॉइसेस। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और ये हमारी सोसाइटी में आई थिंक अगर ऐसा एक चेंज आ जाए तो इट विल बी रियली ग्रेट। ये अभी मैं ऑफिशियली बात नहीं करूँगा। आई थिंक ये कमर्शियल नॉन कमर्शियल तो ऑनेस्टली आजकल ना ये ख़त्म हो गया है। जो कमर्शियल, जो फिल्म अच्छी हो जाती है वो कमर्शियल बन जाती है, और बहुत मेन स्ट्रीम फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, वो नॉन कमर्शियल हो जाती हैं। आई थिंक नवाज़ एक ऐसे एक्टर हैं जो हमेशा अच्छे रोल्स ढूंढते हैं, इंटरेस्टिंग रोल्स ढूंढते हैं, और आई थिंक वो अपने दिमाग में वो डिस्टिंक्शन नहीं रखते कि बजरंगी भाईजान कमर्शियल है या उनकी दूसरी फिल्म जो माउंटेन मैन आ रही है वो नॉन कमर्शियल है। अच्छी फिल्में, दोनों बहुत अच्छे रोल्स हैं, और वो उसी इंटेग्रिटी ऑनेस्टी के साथ अप्रोच करते हैं हर फिल्म में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जी नहीं कर रहे, कर दीजिए सारे के साथ, वन नहीं कर रहे हैं आप, उसी में से वन आपके साथ करूँगा, सबके साथ करना पड़ेगा। और मेरी स्टूडियो बुकिंग है 15 जी, नहीं वो कल किया था मैंने बस 1-on-1, और वो भी फ़ोन इन किया था मैंने, तो 1 के साथ किया क्योंकि आज क्या पूरा दिन मेरे स्टूडियो बुकिंग चल रहे थे और मेरे को 15 पहुँचना है। अगर आपके साथ करूँगा तो मैं दूसरों को मना नहीं कर सकता, आप उसी में से ले लेंगे तो बेटर रहेगा। अभी ये सारे तो मिल गया, एग्जैक्टली जो बोलना था मैंने सब कुछ बोल दिया इसमें। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।